बुलाया नहीं है शादी में यार आयुष भाई की बारी। आयुष भाई बोल रहे हैं कि शादी में बुलाया नहीं आयुष भाई को। तो यार फाइनली अमित भाई ने आज बता दिया कि उनकी शादी हो चुका और बहुत सारे यूट्यूबर को क्यों नहीं उन्होंने बुलाया है। एंड ऐसे ही और बहुत सारे अपडेट इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अगली स्टोरी टोंडे गेमर की। टोंडे गेमर जब अपने चैनल पर लाइव देता तभी अमित भाई को फोन धराता है और अमित भाई से पूछता है अमित भाई क्या आपकी शादी हो चुका, तो अमित भाई उस पर क्या रिप्लाई दिया आप लोग खुद देख लिया। मतलब बंदे लोग ना चैट में बोल रहे कि आपका शादी सच में हो गया क्या? हाँ जी भाई, झूठ क्यों बोल रहे शादी। देखो दोस्तों हाँ जी है मतलब कभी कभार म्यूजिक वीडियो भी निकलता है ना इसीलिए बंदे कंफ्यूज थे। शादी सच में हो चुका है। चलो अमित भाई कंग्रेचुलेशन। आयुष भाई भी आपको कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। अगर अगर नकली वाला होता तो मैं सब क्रिएटर्स और हाइप बनवाता। समझ गया। ओके रिएक्ट करने के लिए बोल के ना। अमित भाई ठीक है। अमित भाई चलिए चलिए बधाई हो ठीक है मिलते हैं। तो यार अगली स्टोरी प्रभात गेमर का है। प्रभात गेमर के चैनल पर किसी ने तीन तीन फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है। इसी चीज को देख के प्रभात गेमिंग बहुत ज्यादा परेशान होते हुए उन लोगों को एक वार्निंग दिया 7 दिन के अंदर, जैसे कि आप लोग देख ही सकते। कॉपीराइट स्ट्राइक है वो भी फेक स्ट्राइक, जो कि मेरे ही थंबनेल को यूज करके एक कुकर्मी इंसान ने मेरे ही चैनल पे स्ट्राइक मारी है और अभी भी वो बंदा पूरे प्रयास में लगा है चैनल को डिलीट करवाने के। ना तो उसने अभी तक स्ट्राइक हटाई है और शायद ना ही हटाएगा। लेकिन जितने भी बंदे हमारे सपोर्ट में हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। और आने वाले टाइम पे आप सभी के लिए बड़ा वाला सरप्राइज भी प्लान कर रहा हूँ और जो भी यूट्यूबर ने ऐसे वक्त में साथ दिया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों का असली चेहरा भी देखने को मिला जो कि भेड़ की खाल में भेड़िया हैं। बुरे वक्त की ये अच्छी बात होती है कि कौन आपका साथी और कौन विश्वासघाती है सब पता चल जाता है। बाकी 90 डेज में तो स्ट्राइक एक्सपायर हो ही जाती है लेकिन इतना हमसे इंतजार नहीं होगा, इसलिए मैं उस बंदे को वार्निंग दे रहा हूँ 7 दिन के अंदर चैनल से स्ट्राइक हट जानी चाहिए, वरना तैयार रहना भाई लीगल एक्शन जब होगा ना तो ये व्हाट्सएप और इंस्टा पे जो अगली स्टोरी टेक प्रोहर्स का है। टेक प्रोहर्स ने इस चीज को देख के उन्होंने एक वीडियो बनाया और रिप्लाई दिया प्रभात गेमर को, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। पहले इन लोगों ने जैसा मेरे साथ किया था वैसा ही इनके साथ हो रहा है। वैसे ये स्ट्राइक का सीन बहुत गलत होता है, गलत चीजें हैं ये, बट जब 6 महीने पहले पूरी कम्युनिटी ने एक तरफ होकर के मेरे साथ खेला था तब ये चीजें गलत नहीं थी क्या? और जो लोग कमेंट कर रहे हैं भाई इंसानियत के नाते हटा लो, मेहनत है किसी की, तो भाई मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब मेरे को स्ट्राइक पड़ी थी तब कहां थी तुम्हारी इंसानियत, तब कहां थी तुम्हारी मेहनत, तब कहां थे तुम लोग? जब मैंने उन्हीं लोगों के साथ स्ट्राइक का गेम खेलना शुरू किया है तब तो बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे भाई तब क्यों नहीं तकलीफ हो रही थी जब मेरे को पड़ी थी? मुझे एक बंदे की स्ट्राइक हटाने के लिए तो कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी कॉल आया कि हर्ष भाई स्ट्राइक हटा लो, जैसे टोंडे गेमर, टोंडे भाई ने भी मेरे को कॉल किया था हर्ष भाई स्ट्राइक हटा लो, ऐसा नहीं है वैसा। तो देखो पहली बात मैंने स्ट्राइक मारी नहीं है किसी को भी, तो मैं स्ट्राइक हटा नहीं सकता हूँ। दूसरी बात कि मेरा नाम मत लो, मेरा नाम लेने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, स्ट्राइक नहीं हट जाएगी मेरा नाम लेने से। और बात रही लीगल एक्शन की तो मैं तुमको खुला। तो यार अगली स्टोरी सेमी एफएफ के बारे में है। सेमी एफएफ के बारे में कल टेक प्रोहर्स ने अपने सेकंड चैनल पर आया और एक वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो में उन्होंने बता रहा है कि सेमी एफएफ चैनल सेल के नाम पे लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। इसके पीछे क्या सच्चाई है यार नहीं है मुझे पता नहीं है। ये वाली वीडियो देख के आप लोग किसी को भी हेट मत देना। एंड अगली स्टोरी अपने टोटल गेमिंग अज्जू भाई के बारे में है। अज्जू भाई अपने इंस्टा स्टोरी पे एक पोस्ट डाला और आप लोग क्यों थैंक यू बोल रहा है आप लोग खुद देख लीजिए। तो भाइयों आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारा YouTube पे हो चुका है 40 मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट, Instagram पे अपने 5 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं, WhatsApp चैनल पे 8 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि Instagram क्या WhatsApp का नंबर 1 ब्रॉडकास्ट गेमिंग चैनल है हमारा, जिसपे 8 मिलियन फॉलोअर किसी गेमर के नहीं इंडिया में। तो इस वजह से तो मेन अभी ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेट करना नहीं चाहता हूँ WhatsApp पे अपने 5 WhatsApp पे नहीं Instagram पे। देखो ये हो रहा है मेरे साथ, वो बोलते हैं ना सक्सेस फॉरम सफरिंग, सफरिंग फॉरम सक्सेस बोलते हैं ना, वो मेरे साथ हो रहा है। टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों, मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डालना चाहता हूँ स्टोरी, मैं ऐसा नहीं बाकी यूट्यूबर की तरह हल्ला नहीं करना चाहता हूँ, हालांकि मैं नहीं करना चाहता यार, वो तो कुछ अलग ही नखरे है भाई, नाटकी मारते यूट्यूबर 5 मिलियन कर ले ऐसा करके, ऐसे नाटकी नहीं मारने का दोस्त, नॉर्मल रहने का समझता है हमको। तो अभी हो चुका है अपना, तो थैंक यू सो मच। एंड अगली स्टोरी मामू लाइव करके एक यूट्यूबर है जो कि सेमी भाई को यार एक्सपोज करते हुए कुछ ऐसा बोल करने वाला हूं गाइस। सेमी एफएफ ने 2000 का स्कैम किया, किसके साथ किया भाई? मामू की वीडियो बना रहा भाई, क्या मामू सच बोल रहा? नहीं, झूठ बोल रहा है। अरे भाई बिना प्रूफ के तो मैं कुछ बात ही नहीं करता,
मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब बात है, उसमें कुछ लॉजिक है। ये बात है गाइस 2 से 3 दिन पहले, जो अपने माता पिता के फोन से पेमेंट कर सकते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, इसलिए संभल जाओ। अब तो बकवास बहुत हो गया गाइस, ठीक है। अब चलते सीधा प्रूफ के ऊपर, क्योंकि पता है भाई बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता। और ये बात मैंने कम्युनिटी को, जिससे मतलब हर कोई डरता है, कम्युनिटी का भगवान बोले तो एक्सपोजर्स का, ठीक है, जिसका नाम लेते अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, जानते होंगे येलो क्रिमिनल वाले हमारे टेक प्रो हर्ट। इस वीडियो के माध्यम से मैं भाई को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर गौर किया जाए एंड मेरे साथ आज हुआ किसी के साथ ना किया जाए। एंड इसके पीछे क्या सच्चाई है अभी तक किसी को भी पता नहीं है। एंड अगली स्टोरी रॉय स्टार के बारे में है। स्टार की इंस्टा स्टोरी पे बहुत सारे लोग उसको हैप्पी बर्थडे बोल रहा था। एंड अगली स्टोरी जीडब्ल्यू मनीष के बारे में है। जीडब्ल्यू मनीष ने अपने इंस्टा स्टोरी पे एक पोस्ट अपलोड किया था, उस पोस्ट में फ्री फायर अपडेट को लेकर कुछ ऐसा बोल रहा है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कोई भी चीज़ को बेहतर करने के लिए उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं गेमर्स और गेमिंग की बात कर लेते हैं। अब गेम में अपडेट लाओगे तभी तो गेम बेहतर होगा ना, और हर गेम में ऐसा ही होता है, गेम में अपडेट आने के बाद और गेम बेहतर होता है। लेकिन फ्री फायर इकलौता ऐसा गेम है जिसमें गेम में अपडेट आने के बाद गेम और ज़्यादा घटिया हो जाता है। मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि फाइनली गरीन तक पहुंच जाए और भाई ये लोग इस चीज़ में एक्शन ले, क्योंकि OB44 अपडेट कुछ टाइम में आने ही वाला है। गाइस आज की न्यूज बस यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और आज के चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना। एंड तब तक के लिए बाय बाय।